जन्माष्टमी पर मैं अपने सभी सदस्य गणों को, सहकारी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम सहकारी सेवाओं में जिस प्रकार से दिन रात यत्न करते रहे हैं, ये सभी मेरे साथ मिलकर के इसी प्रकार मेहनत करते रहेंगे, जिससे कि सहकारिता का जो परचम है वो हमेशा लहराता रहे। क्योंकि सहकारिता आजकल के युग में एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जो हमें साथ साथ चलने का और संगठन को मजबूत करने का बखूबी संदेश देती है। आर्थिक रूप से यदि कोई साथी पिछड़ा हुआ होता है तो सबल जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग होते हैं वो उसकी मदद एक माध्यम बना करके सहकारिता का उसकी मदद कर देते हैं। जन्माष्टमी के पर्व पर सबसे पहले तो मैं सहकारिता को, फिर अपने देश को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि भारत भूमि धन्य है जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और वो आज भी हमारे जीवन के आदर्श बने हुए हैं, का अनुभव करते हैं और अन्याय के प्रति, अधर्म के प्रति, दुष्प्रचार के प्रति सजग रहने की मनोवृत्ति बनाए हुए हैं और हमेशा हर तथ्य पर, हर ऐसी घटना पर जो मानव जाति के विपरीत हो, हम भगवान श्री कृष्ण को ही याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो विपरीत परिस्थितियों में ही जन्म लिया था। अभी जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमारा देश त्योहारों का देश है, हम अपनी उमंग, अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में हम यदि अपनी सोसाइटी और सहकारिता की बात करें तो वो बात भी हमें करना चाहिए। इकोनॉमिक्स की दृष्टि से जो माइक्रो फाइनेंसिंग है, हमारे जैसे देश के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे बंधु हैं, जो भी हमारी जनता है, वो आर्थिक रूप से बहुत सारा डिफरेंस उनमें है।